नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच साबित किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने। अंजलि ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। अंजलि पढ़ाई के साथ साथ काफी सोशल भी है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव रहती है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा में पहले प्रयास में सफल होना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने। अंजलि ने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। अंजलि बिरला की मां अमिता बिरला का कहना है कि वो शुरुआत से ही कुछ अलग करना चाहती थी। वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए 10-12 घंटे की पढ़ाई करती थी। अंजलि ने इस परीक्षा को पास करने के बाद कहा कि ट्रेनिंग सेशन के बाद उनकी पहली प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने की होगी। अंजलि अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से इतर एक आईएएस के रूप में देश की सेवा करने की चाह रखती है। अंजलि की प्रारंभिक पढ़ाई कोटा से हुई। उन्होंने कोटा के सोफिया गर्ल्स स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स की डिग्री ली। अंजलि ने ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में रहकर ही एक साल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी। अंजलि ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत उनकी माँ और बड़ी बहन है। उन्होंने बताया कि बड़ी बहन आकांक्षा बिरला ने उन्हें तैयारी के दौरान बहुत मोटिवेट किया। पढ़ाई से लेकर इंटरव्यू आदि की स्ट्रेटेजी बनाने में उन्होंने अंजलि का साथ दिया। उनकी मां ने उन्हें बताया कि वो हमेशा ही खुद पर विश्वास रखें। पिता ओम बिरला ने भी पढ़ाई के दौरान उनका हौसला बनाए रखने में मदद की। अंजलि बिरला पढ़ाई के साथ साथ काफी सोशल भी हैं। वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं। पिता के साथ ली गई कई तस्वीरें भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। अंजलि बिरला फैशनेबल कपड़े पहनने की शौकीन हैं और उनका फैशन सेंस भी काफी अच्छा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।